पटना से रांची के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन मंगलवार को पटना जंक्शन पहुंच गई। चेन्नई से वंदे भारत की 8 कोच की जो रेक है पटना पहुंची तो देखने वालों की भीड़ लग गई। पटना जंक्शन के 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर वंदे भारत ट्रेन के रुकते ही सैकड़ों यात्री बाहर और अंदर से इसकी एक झलक पाने के लिए परेशान दिखे। इस नई रेक का पटना रांची के नए रेलखंड पर ट्रायल किया जाएगा। हालांकि इसके उद्घाटन और भाड़े को लेकर आधिकारिक तौर पर घोषणा बाकी है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस ट्रेन के उद्घाटन की घोषणा 15 जून के बाद से कभी भी हो सकती है। फिलहाल दानापुर मंडल के रेल कर्मियों को इसके परिचालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस संबंध में पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि पूर्व मध्य रेल के लिए पहला वंदे भारत ट्रेन का रेक मिला है। 8 कोच वाले इस रेक को अभी ट्रायल के लिए रखा गया है। इस ट्रेन का प्राइमरी मेंटेनेंस पटना के राजेंद्र नगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स में ही किया जाना है। इसके मेंटेनेंस के लिए रेल कर्मियों को विशेष रूप से ट्रेनिंग दिया जाएगा। इस ट्रेन के गार्ड, लोको पायलट और टीटी के साथ ही कोच अटेंडेंट की भी विशेष रूप से ट्रेनिंग मिलेगा। उन्होंने बताया कि ट्रेन के परिचालन की तारीख और किराया भी शीघ्र ही तय कर लिया जाएगा। बता दें कि वंदे भारत ट्रेन से सफ़र करने से यात्रियों का 5 घंटे का समय बचेगा। वंदे भारत ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी। यह ट्रेन पटना से खुलने के बाद जहानाबाद, गया, कोडरमा, हजारीबाग, टीटी सिलवे और रांची रुकते हुए हाटिया में रुकेगी। वहीं हाटिया से पटना जाने के दौरान इन्हीं स्टेशनों पर रुकेगी। जैसे ही कल पटना जंक्शन पर 8 कोच जो है पहुंचा, उसके बाद लोगों की काफ़ी संख्या में भीड़ जुट गई और लोग वंदे भारत ट्रेन को देखने के लिए बेचैन नजर आ रहे थे। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।